बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप काइन मास्टर में दोस्तों साइडो इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ पे दोस्तों वीडियो में एडिट करते समय साइडो इफेक्ट देना है तो दोस्तों आप किस तरह से एक प्रोफेशनल साइडो इफेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे कि मैं रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक क्लिप ऐड कर देता हूँ दोस्तों कोई भी, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी एक क्लिप ऐड कर देनी है, मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर देता हूँ दोस्तों। आप भी कोई क्लिप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब मैं ये वाली क्लिप ऐड कर देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये 20 सेकंड की एक क्लिप है, ठीक है दोस्तों। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको वो वीडियो चूज़ कर लेनी है जिसमें दोस्तों आप ये इफेक्ट देना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। सिंपली दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली है, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैं थोड़ा दोस्तों इसको क्रॉप कर लेता हूँ दोस्तों। इस आउटसाइड को दोस्तों आप यहाँ पे क्रॉप कर लें, ठीक है दोस्तों। क्रॉप करने के बाद दोस्तों सिंपली अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद दोस्तों थोड़ा दोस्तों इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर करें, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। डुप्लीकेट लेयर को दोस्तों थोड़ा साइज बढ़ा दें तो दोस्तों उसको, और सेंड टू बैक कर दें दोस्तों उसको, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने के बाद दोस्तों अब इस पर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दें। ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये साइड इफेक्ट ऐड हो गया है, ठीक है दोस्तों। आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों अब आपको एक और इफेक्ट दोस्तों इस पर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको एक और इफेक्ट देना है दोस्तों। इफेक्ट पे क्लिक करके बेसिक इफेक्ट, अब दोस्तों गाजियन ब्लर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों इसको इसी बराबर दोस्तों आप यहाँ पर ब्लर कर दें, ठीक है दोस्तों। ब्लर करने के बाद दोस्तों इसको सेंड टू बैक करें। पहले तो सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों अब इस पर एक और बार दोस्तों करें ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों। ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो पीछे जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों टाइम लाइन को दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल दोस्तों कूल लग रहा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी वीडियो पर इफेक्ट दे सकते हैं साइड इफेक्ट दोस्तों। और आपको ध्यान देना है अगर आप दोस्तों कभी भी फ्यूचर में दोस्तों साइड इफेक्ट देते हैं तो एक का दोस्तों आपको वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर देना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।